अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि पबजी ऑफिशियल ने अपनी न्यू गेम अनाउंस कर दी है, जिसका नाम है पबजी न्यू स्टेट। तो सबसे पहले मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पबजी मोबाइल के ऊपर कोई न्यू अपडेट नहीं है, बल्कि ये एक सेपरेट गेम होगी। और दूसरी बात ये कि ये एक फ्यूचरिस्टिक गेम होगी और हमारी पबजी मोबाइल से बिल्कुल डिफरेंट होगी। हीलिंग से लेके गाड़ियों तक हर चीज़ की एक न्यू फ्यूचरिस्टिक लुक आ रही है। और इसकी वजह यह है कि ये गेम जो सी है 2051 में सेट है, जो है आज से एग्जैक्टली 30 ईयर्स बाद। और जो मैप नज़र आ रहा है वो भी बिल्कुल न्यू एंड डिफरेंट मैप नज़र आ रहा है। और जो ऑलरेडी हमारे पास मैप्स हैं उन जैसा मैप बिल्कुल भी नहीं है। इस मैप का नाम होगा ट्रॉय, जो जहाँ तक नज़र आ रहा है ट्रेलर से। फ्यूचरिस्टिक वेपन से लेके न्यू एंड इम्प्रूव डायनेमिक्स तक इस गेम की हर एक चीज़ हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पबजी मोबाइल से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और मैं तो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ हर एक चीज़ का। बाकी इस गेम की जो ओवरऑल लुक है वो पबजी पीसी जैसी है बिल्कुल। एक कुछ देर पहले एक गेम आई थी जिसका नाम था पबजी टीमी, लेकिन वो काफ़ी देर नहीं टिकी। उम्मीद है कि ये गेम टिकी रहेगी और काफ़ी और अपडेट्स भी आएंगे इसकी। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे न्यू स्कोप्स और न्यू राइफल्स जो हमने ऑलरेडी नहीं देखी पबजी मोबाइल के अंदर। दूसरी बात यह कि ये चाइनीज़ वर्जन से काफ़ी इंस्पायर्ड लग रही है। जैसे चाइनीज़ वर्जन में डासिया की जगह टेस्ला है, इस गेम के अंदर भी डासिया की जगह टेस्ला ही नज़र आ रही है। बाकी हर एक चीज़ को एक फ्यूचरिस्टिक लुक दी गई है। हर बिल्डिंग जो सी है एक न्यू तरह से हमें नज़र आएगी। स्कोप्स डिफरेंट होंगे और करेक्टर मूवमेंट, जिसे डायनेमिक्स और मैकेनिक्स कहते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पबजी मोबाइल से काफ़ी बेहतर होगी। एक और सवाल लोगों का ये था कि क्या ये गेम हमारी कंट्री में अवेलेबल होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये गेम इंडिया में अवेलेबल होगी। तो हाँ, खुशखबरी ये है कि इंडिया वाले भाइयों, ये गेम इंडिया में भी अवेलेबल होगी, क्योंकि ये एक कोरियन कंपनी क्राफ्टन इस गेम को प्रोड्यूस कर रही है और चाइना नहीं। तो उम्मीद तो है कि कोई मसला नहीं होगा इंडिया के अंदर इस गेम का लॉन्च होने में। और कुछ कंट्रीज़ में इसकी प्री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे पाकिस्तान के एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर में प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और ये मेरे दोस्त ने प्री रजिस्ट्रेशन कर दी है इसकी। सारी गुड न्यूज़ के साथ एक बैड न्यूज़ भी है, वो ये है कि जहाँ तक नज़र आ रहा है हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पबजी मोबाइल के जो अकाउंट्स होंगे, जिन पर हमने काफ़ी सालों से मेहनत की है, टू बी एग्जैक्ट 3 साल हो जाएंगे 23 मार्च को, वो इस गेम पर यूज़ नहीं हो सकेंगे। तो इस गेम के लिए बिल्कुल न्यू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक नज़र आ रहा है जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से सब कुछ वर्थ इट है। अभी तक के लिए सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन आई है, बाकी नेक्स्ट वीक तक और भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह जैसे ही ये गेम रिलीज़ होगी तो मैं कंटेंट ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि अब मोन्टाजेस बनाना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं पबजी मोबाइल के। तो ऑफकोर्स इंशाल्लाह पबजी न्यू स्टेट के भी मोन्टाजेस बनाया करूँगा, और अगर कोई न्यूज़ न्यू आती है इसके अलावा तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा यहाँ पर, नहीं तो अपने इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, आईडी है li._18। आप वहाँ पे फॉलो कर लें अगर नहीं फॉलो किया। एंड थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पीस।